ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਲੰਮਿਆ ਪਾਏ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਸੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਦਰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਭਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਘਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ आप ये मेरा पैगाम ना जी जी खान साहब तक पहुंचाएं। मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आपकी हुकूमत बन जाती है तो अगला वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन होगा? वो फवाद चौधरी को बनाएंगे या शेख रशीद को बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज वकील मशहूर ससरा। नाजरीन, एक बात की समझ नहीं लग रही है कि गवर्नर को हटाने का इख्तियार वजीर आजम पाकिस्तान के पास होना चाहिए या सदर के पास होना चाहिए, या कोई जोर ज़बरदस्ती से गवर्नर को हटा दिया जाता है, या कोई मामला किस तरह से हल होगा या बातचीत से ये मामला हल होगा? लोगों से बात करनी चाहिए कि आपस की लड़ाइयाँ या ज़ोर ज़बरदस्ती, या गवर्नर सरफराज चीमा साहब कहें कि मैं नहीं हटूँगा या मुझसे ये दफ्तर नहीं छीना जा सकता, या वज़ीर आज़म कहें मैंने नोटिस दे दिया है आपको हटा दिया गया है, कायम मुकायम सदर जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब होंगे, यानी गवर्नर जो होंगे कायम मुकायम वो परवेज़ इलाही साहब होंगे, यानी क्या मामला है, क्या खिचड़ी पकी हुई है, ये कैसे हल होगा मसला, ये तो आवाम ही मुझे बताएगी। मेरे साथ रही, क्यों लुका लिया मुंह? थोड़ी तबीयत सही नहीं है, इसलिए तबीयत मसल की खराब, बीमार हूँ मैं। नहीं नहीं, कोई बंदा फिर रहे थे? हाँ जी हाँ जी, देना है। हाँ जी, कर्जा तो बहुत चढ़ गया पाकिस्तान पे, वो से नहीं लाना, अल्लाह से खुला नहीं और पीछे कोरोना, आप आके कह रहे हैं कोरोना है। यानी ये कैसी बात है कि कोरोना आप सनेहा देना रहे हैं? हाँ जी, कि मैं नू हो गया हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात खांसी है जरा, मैंने आपकी इधर तो आए, इधर तो आए, मैंने आपकी सेफ्टी की है जरा। सर लवी, मेरी सेफ्टी की है, मेरी सेफ्टी तो मेरे को वाले घर चढ़ गए हैं। नहीं नहीं सर, आपकी सेहत खराब है। अच्छा, सेहत की बात कर रहे हैं, मैं सेफ्टी की गल कर रहा हूं। आजकल सेहत इमरान खान साहब की सेहत खराब हुई हुई है। चलें बहरहाल, अल्लाह खैर करे जिसकी भी सेहत खराब हुई हुई है, अल्लाह उनको। कहने का मकसद ये है कि गवर्नर पंजाब जो है सरफराज उमर सरफराज जो है चीमा साहब जी जी, उनको जो हटाने का मामला हो गया है, वजीर आजम कह रहा है मैंने हटा दिया है, सदर कह रहा है नहीं हटा रहे हैं, यहाँ पर जबरदस्ती भी हो रही है, दफ्तर में नहीं घुसने दिया जा रहा, यानी अजीबो गरीब, ये अदालत हल करेगी मसला या प्यार मोहब्बत से कोई बातचीत से मसला हल हो सकता है? देखिए जी, प्यार मोहब्बत तो बड़ी दूर की बात रह गई है, सही बात है। और अदालतें हैं जो सी हैं उनकी इज्जत करनी चाहिए, वो अदारे हैं, कोई अदालतें हैं, कोई मजाक नहीं है, बिल्कुल सही बात। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और मकसद कहने का कि ये गवर्नर ने किया क्या है, वो किया क्या है, कोई कारकर्दगी बताए ना सदर साहब ने। वो तो अच्छा, यकीन करें किसी बच्चे से पूछ लो किसी शख्स से, वो शादर नादर पता होगा कि ये सदर साहब का नाम ये है, हकीकत है। और मकसद कहने का कुछ पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचो यार, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क क्यों करने में तुले हो, एक कुर्सी की खातर आपने इतनी महंगाई कर दी, इतना कर्जा पाई हिस्ट्री में नहीं किसी ने उठाया जितना इन भाई साहब इमरान खान साहब उठा के चले गए हैं, लाना थे माम ने। जनाब वकील साहब खैरी हो? अल्लाह पाक जिंदा रखे तुहानू। पहले तो इजाजत देना, गाल तो नहीं कर सकते, ठीक बगैरत कह दीए, टू नहीं लानी, ठीक है, जेकर गैरत होएगी ना तो टू नहीं जलानी, ठीक है, क्योंकि ए आए ने बगैरत, भावें नून लीग है तो भावें पीपल पार्टी, ठीक है, ए वो ने जेडे कि अपनी ते पैसे खाने वाले ने, तो परवाह नहीं करेंगे, ठीक है, तो मुल्क तेरे से गल ही कोई नहीं भाई जान, मुल्क तेरे से गल ही कोई नहीं, ठीक है। बाजारे हुसन दे ना तवायफ जड़ी ना वो भी वेच दी तो पर्दा रह जाती अपना, ठीक है, तो यह तो आपस एक दूजे नंगे हुए पे ने। तो ये गवर्नर वाला मामला जो है ये बातचीत से हल होगा या अदालत हल करेंगे, ये क्या रोला डरा भजन ताड़ी ताल तेरे अज रात फिर दरवाजा खुल जाना जी, जिमें घर दरवाजे, ठीक है, मैं तुहानू कहूँगा कि यह मुल्क भावें अदालत ने, ठीक है, भावें जनाब कानून है तो भावें जनाब सियासतदान ने, ठीक है। गल एवं विक्की भाई के सानू तो चीज़ यह चाहिए कि साडे मुल्क नू सुकून होवे, ठीक है, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆਵੇ
लेकिन बेसिक चीज़ा जड़ियाँ मैंने वह लो किस दौर से सस्ती हुई हैं जी, आटा क्यों भाईजन ऐसे ही बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजन, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल है, इस मुल्क का कोई हाल नहीं हो सकता जहाँ के पाकिस्तान क्रॉलिंग पे इस तरह के जहाँ पे सियासतदान होंगे जो एक दूसरे की इज्जतों को उछाल रहे हैं, ठीक है ना, खुद को अच्छा कहने के लिए दूसरे को गंदा कह रहे हैं, ठीक है ना। आप ये देख लें लंका के अंदर क्या हाल हुआ है, क्या उधर अल्लाह माफ करे दुनिया का दिवालिया निकल गया उसका, ये सेम कंडीशन ही इस मुल्क की भी, सब इसमें टोटल सभी जितने भी हमारे हुक्मरान हैं मुलव्वस हैं, चाहे वो इमरान खान है, जरदारी है, नून लीग है, डीजल है, जितने भी ये सब गंदे, इन लोगों ने क्या किया है, अवाम का कंजूमर लगा के रख दिया है। अवाम बेचारी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई आटा, कोई चीनी, कोई घी, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है सवाए महंगाई के, जो भी हुकूमत आती है वो अपना सोचती है। आटा चीनी क्यों खलोती कही जा रही है, नहीं गल सुनो, नून लीग ने रोला पाया सी कि ऐसी चीज़ा सस्तियाँ करनी है, ठीक है, उन्होंने आम डबल महंगियाँ करती हैं, कितने गए हो, बाकी गल इन्होंने बिल्कुल सीचे सच्ची है कि आवाम सत्तू पी के बैठी है। हाय आवाम ने सत्तू पी लिए ने। सर ये सवाल मेरा आपने सुनी लिया है जो मैं आवाम से कर रहा हूँ जी जी, तो पिछु हाथ ला लो अपना बंदा अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो ये उमर चीमा साहब का जो मामला है गवर्नर पंजाब का, ये बातचीत से हल होगा, अदालत हल करेगी या जोर जबरदस्ती होगी? वज़ीर आज़म कहते हैं हटा दिया, सदर मान नहीं रहा, उमर साहब खुद नहीं मान रहे, ये क्या रोला है? ये रोला जो भी है खैर इसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो है ना आपसे एक बात करने आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मेरा पैगाम ना खान साहब तक पहुँचाए। जी बिल्कुल ठीक है, जा रहे हैं, ठीक है। तो खान साहब पहले तो मेरा ये सवाल है, मतलब मेरी दुआ है कि अगली हुकूमत आपकी हो और इंशाल्लाह जो है आमीन कहता जाए अब्रप्टली, हाँ इंशाल्लाह आपकी हुकूमत होगी, लेकिन मेरा ये सवाल है आपसे, अगर आपकी हुकूमत बन जाती है तो अगला वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन होगा? वो फवाद चौधरी को बनाएंगे या शेख रशीद को बनाएंगे? और वो बन जाएंगे तो वो कहाँ जाना है फिर, चांद पर जाना है? अगर शेख रशीद को बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो ट्रेन को जो है चांद पे ले जाएंगे? मतलब मैं बाकी जानना चाहता हूँ। ठीक है यार खान साहब, आप यार कोई अगर आप बन जाते हैं, ठीक है बन गए आप, कोई कोई बंदे तो रखें कोई जो है वो कोई बना के कुछ करके दे तो दिखाएं यार। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं माशाल्लाह, गुड पर्सनैलिटी सर, गुड लुकिंग जी, थैंक यू जी। ये मैंने तारीफ इसलिए की आप हंसे मुस्कुराए परेशान में बड़े, क्या मजाक, ये सौदा नहीं हो रहा इनका कच्चों का? मैं वेट कर रहा हूं एक दोस्त का। अच्छा दोस्त का वेट कर रहे हैं, क्यों आएगा तो ले के देगा? हां बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो लेना है, अपने आप तो नहीं लेना, लेना भी नहीं चाहिए। सही गल है, क्या नाम है सर आपका? इश्तियाक। इश्तियाक, और मुझे भी आपको मिलने का बड़ा इश्तियाक था सर, बहुत शुक्रिया जी। और इश्तियाक, ये इश्तियाक कितना खूबसूरत नाम है, लफ्ज ही कमाल है इश्तियाक कि मुझे आपको देखने का इश्तियाक है, मुझे आपको मिलने का इश्तियाक है। सही कह रहे हैं बिल्कुल, कैसी बातें हैं ये, आप खुद खूबसूरत हैं, खूबसूरत बातें कर रहे हैं सर। मुझे ये सिर्फ बताइएगा कि उमर चीमा साहब जो हैं, उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब, उनका बड़ा रफड़ पड़ा हुआ है, वो तब तक छोड़ना नहीं चाहते हैं, नोटिफिकेशन को जारी हो गया है कि हटा दिया गया है वजीर आजम। अब सदर हटा सकता है, वजीर आजम हटा सकता है, अदालतें हटा सकती हैं, ये अब बातचीत से ये मसला हल हो सकता है, ये खिचड़ी पकी हुई है, कोई फैसला असल में इनके अपने मुफादात हैं, चाहे वो हों चाहे वो कहते ना सीख सीट का ऐसा नशा है कि वो छोड़ना ही नहीं चाहते, और मेरे तो हिसाब से इन सब को ना एक जहाज़ में जाके ना डीप समुंदर में ना इनको गर्क कर देना चाहिए, और इनके असासा जात ना सारे जो है जमा करवा दें, जो एक दिवालिया हुआ ना मुल्क, बड़ी हैरत की बात है कि मुल्क गरीब तरीन होता जा रहा है और ये लोगों के इनके बैंक बैलेंस ही नहीं ख़त्म हो रहे। बारक ओबामा अभी वो सदर रहा है अमेरिका का, वो एक किराए के मकान में रह रहा है, इनकी जायदादें ही नहीं ख़त्म होती हैं, इनके अपने मुफादात हैं, ये मुल्क के साथ सेंसियर नहीं है, इनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी मुल्क के साथ ये बिल्कुल सेंसियर नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम जी। मोहम्मद आजम, तो कोई आजमा काम भी किया जे करें? अल्हम्दुलिल्लाह। चौक आजम जो है तुहाडे नाल बने है? नहीं नहीं। अच्छा भैया नहीं नहीं कुंदा ना, एक नाद भी रख देंगे ना कि मशहूर फिर पा ले जो तुम्हें हाथ की गल
जावेद भाई मुझे ये बताइएगा और आप भी आजम भाई कि ये जो गवर्नर पंजाब का रोला डला हुआ है सदर कहते हैं सदर भी नहीं हटा रहा इधर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है उमर चीमा साहब सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं अजीब गरीब सा मामला है अदालत मामला हल करेगी या बातचीत से मामला हल होगा किस तरह हटेगा मामला सबसे पहले तो बात ये है कि इधर पाकिस्तान में कोई किसी किस्म का लॉ जुडिशरी कुछ भी नहीं है ठीक है जिस तरह का आजकल सिचुएशन चल रही है सबको पता है किसके हुक्म चल रहा है किसका नहीं चल रहा ये सभी को पता है अगर वो हमारे जो बैठे हुए हैं ना बाहर वो चाहेंगे तो कुछ भी इधर हो सकता है ठीक है हमारा इधर कोई गरीब बंदे को कुछ भी नहीं सुना जा सकता ठीक है अभी गवर्नर पंजाब का मसला है ठीक है अगर हम जुडिशरी की तरफ देखें तो इसको जो आप हमारा मौजूदा जो सदर है वो इसको चेंज कर सकता है नहीं वज़ीर आज़म जो अथॉरिटी सदर के पास वो सदर की है ठीक है जो प्राइम मिनिस्टर की वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है एक सेकंड में बताना आरफ अलवी शुक्र है मेरे मौला किशन ये शोर हमें इमरान खान ने दिया है हमें पहले किसी चीज का नहीं पता होता था ठीक है ये शोर हमें इमरान खान ने दिया है क्या कहते हैं जी आप मैं भी यही कहना चाहूँगा हम लोग खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी आवाम को हमारे लोगों को एजुकेट किया वरना आज से अगर आप 15 साल पहले या 20 साल पहले चला जाएं तो किसी को पता नहीं था कि रिश्वत क्या होती है या बेसिकली जो है वो हमारा मुल्क किस तरह की मिठाई के हाँ इतना ज़्यादा पता नहीं था कि हमारे मुल्क में यानी हमें बेसिक नहीं पता था कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है लेकिन एटलीस्ट हमें अब आजकल के यंग जो लोग हैं माशाल्लाह से उनको एटलीस्ट पता तो है मैं सिर्फ मैसेज देना चाहता हूँ सब लोगों को ये कि देखें खान साहब को एक दफ़ा दो तिहाई तक खसरियत दें और एक उसको 5 साल का मौका दें और अगर 5 साल में वो कुछ तब्दीली नहीं लेके आते मुल्क के लिए फिर हम उसके खिलाफ होंगे जैसे आज हम हुकूमत के खिलाफ खूबसूरत बात इन्होंने की पहले ये रुके बिल्कुल सही बात पूरी आवाम जो होती है भूखी मर जाएगी उसका एक ही नारा होगा घबराना नहीं है 5 साल तक मैं आपको गरीब आदमी को मैं ऊपर उठा के लेके जाऊंगा आज गरीब आदमी ऊपर जा रहा है हैं एक मिनट मेरी बात सुने किन्ने मारे ने उन्हें ऐ तो दसो कि उस बंदे ने किन्ने के लम्मिया पाए ने जमीन दे जिन्होंने इन्हों ने खा लिया दुनिया के बच्चे अगवा करा दिते हुण फिर आ गए ने बच्चे अगवा करन असि तो इमरान खान नाल हां बस सारा कुछ है साडे नाल खाना पीना कोई नहीं मर सकदा सब नु लभदा पिया महंगा होवे या सस्ता होवे सब नु लभदा पिया खिलाने वाली तो हां रब दी जात है जे रब आया आ जावे ते और की चाहिदा ए लोटे आ गए ने दोबारा गन्ने खाण वाले ए गन्ने खाण वाले ने चीनियां महंगियां करदे ने इन्हां दी पोल्ट्री फार्म महंगे ने इन्हां ने आप ही सारा कुछ स्यापा कीता है बहरहाल माजी मैनू आ कहंदा ना मर गए किन्ने के लम्मे पाए ने इमरान खान ने सारे जिंदा ही ने केड़ा मरिया भुखा दसो ना कि किन्निया को कब्रस्तान भर गए ने ओदे करन नाल बहरहाल नाज़रीन हमारा काम तो होता है आपको हंसाना आपके चेहरे पे हंसी लेकर आना आपके आंसू चुराना हंसते रहे मुस्कुराते रहे हंसी वाली जिंदगी गुजारे कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा इज्जत ले मोहब्बत बांटे और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है मस्के जानों को सब्सक्राइब करते रहे लाइक करते रहे कमेंट करते रहे और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ साथ है अपनी माँ के कर्मा अस्सलाम वालेकुम।